वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीटीटी काउंसलिंग 2023 के लिए राउंड वन की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज की जा चुकी है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों के तरह तरह के डाउट आ रहे थे कि ये हमारा सीट अलॉटमेंट है क्या, मेरिट में हमारा नाम कैसे देखें, अगर हमारा नाम है लिस्ट के अंदर तो हमें क्या राउंड वन में सीट मिलेगी, यानी 3 अगस्त को जो सीट अलॉटमेंट आएगा उसमें हमारा क्या कन्फर्म है कि सीट मिलना है अगर मेरिट के अंदर नाम है तो, और ये जो लिस्ट है इसका हमारे सीट अलॉटमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 लाइक्स, तो इतना तो टारगेट पूरा करवा ही दो। तो सबसे पहले आपको एमपीडीटी की वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर विजिट करना है एंड इसके बाद कुछ कॉमन स्टेप, सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, ग्रेजुएशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करिए तो आपके सामने एमपीडीटी का जो पूरा शेड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे सेकेंड नंबर में एडिट चॉइस फिलिंग के नीचे देखो टोटल 4 मेरिट लिस्ट शो कर रहा है। हर साल ये लोग सिर्फ एक लिस्ट ही निकालते थे जिसमें सभी बच्चों का नाम होता था जो एमपीडीटी के लिए राउंड वन में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन इस साल इन्होंने बच्चों को आसानी हो इसके लिए मेरिट लिस्ट को जेई मेन की रैंक के हिसाब से 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी रैंक 7861 से लेके 248022 के बीच है उसका नाम फर्स्ट लिस्ट के अंदर है, जिसकी रैंक 749070 से लेके 1113288 के बीच है उसका नाम जो है वो फोर्थ लिस्ट के अंदर है। इन चारों लिस्ट को हमने एक एक करके यहां पे निकाल लिया है। अब आप अपना नाम कैसे चेक करोगे लिस्ट के अंदर और इसका क्या रोल होने वाला है हमारे सीट अलॉटमेंट में? तो देखो, नाम चेक करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आप कंट्रोल एफ प्रेस करो, इससे आपको यहां पे सर्च बॉक्स आ जाएगा। अगर मोबाइल फोन है तो कुछ नहीं करना, ऊपर एक सर्च बॉक्स का आइकन बना है उसमें अपना जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दो। जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आप का नाम जो है वो लिस्ट में है या नहीं। आप अपना नाम ऐसे चेक कर सकते हो, जो भी रैंक है उसके हिसाब से लिस्ट ओपन कर लेना। अब इस लिस्ट में कितने बच्चे हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 24,794 हैं। पिछले साल यानी 2022 में लगभग 25,000 बच्चे ही काउंसलिंग में बैठे थे, लेकिन इस साल एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिस बच्चे की रैंक 1 है यानी जिसकी जेई मेन में रैंक 7861 है उसकी पोजीशन यहां पे 1 नंबर पे है, लेकिन 2022 में जिन बच्चों की रैंक 3 या 4 हजार थी उनका नाम 1 नंबर में था और जिसकी 7,000-8,000 रैंक थी उसका नाम जो है वो 22-23 नंबर पे था। तो इस बार जो SGSITS इंदौर की CS ब्रांच का कट ऑफ है वो अगर पिछले साल 22,000 गया था तो वो इस साल 23,000-23,000-24,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि इस साल कम रैंक वाले बच्चे जो है वो काउंसलिंग में बैठे हुए हैं। आप यहां से देखो, जिसकी रैंक जो है 31,000 है वो सीधा सीधा 138 पोजीशन में बैठा हुआ है, जबकि पिछले साल जो है वो वही बच्चे लगभग 180-190-200 पोजीशन तक थे जिनकी 30-32 रैंक थी। तो इस बार कट ऑफ में आपको थोड़ा सा जो ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा, और अगर GSITS का कट ऑफ ड्रॉप होता है तो नीचे वाले कॉलेजेस में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मेरिट लिस्ट जो है इसी के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट आएगा। टोटल 25,000 बच्चे बैठे हैं जितने पिछले साल बैठे थे। इस साल जो 2-3,000-4,000 वाले बच्चे हैं उन्होंने जोसा में अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया, इसके लिए वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए, इस बात का ध्यान रखो। बाकी ये जो ऊपर रैंक वाले हैं ना 7,000-8,000-12,000 ये सबके सब निकल जाएंगे, अभी जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। और मेरिट में अगर हमारा नाम है तो ये इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, ये इस चीज़ को बिल्कुल प्रूफ नहीं करता कि हमें सीट अलॉटमेंट आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो 1,113,288 है और जो फर्स्ट रैंक है वो मैंने आपको बता दिया 7,861 है। अब MPDT के लिए ये आपका सीट अलॉटमेंट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि ये सीट अलॉटमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो सीट अलॉटमेंट है राउंड वन के लिए वो आपका 3 अगस्त को आना है, 3 अगस्त को, अभी देखो अपकमिंग शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद राउंड वन के बाद जो बच्चे अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो सीट अलॉटमेंट है वो 11 अगस्त को आना है, यानी एक आएगा 3 अगस्त को राउंड वन और राउंड वन का अपग्रेड 11 अगस्त को आएगा। इसके बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन है जो कि सेकंड राउंड के लिए होंगे, अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है जो मिस कर दिया राउंड वन तो वो 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कर सकता है। अगर आपने एक बार कर रखा है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चॉइस फिलिंग में जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है राउंड वन में या राउंड वन के अपग्रेड में फिर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे, तो ये इस बात का ध्यान रखना। 3 अगस्त
अगस्त को रिजल्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में ये पता चलता है कि जितने बच्चे बैठे हैं उसमें हमारा नाम जो है वो कितनी पोजीशन में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एकदम गांठ बांध के रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। और नाम कैसे देखना है वो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन नंबर टाइप करो सर्च में, आपको मिल जाएगा। लैपटॉप है तो कंट्रोल एफ प्रेस करो, और मोबाइल है तो ऊपर सर्च आइकन बना ही होगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, और लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे जो नहीं हुए वो हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको राउंड टू के लिए एमपीजीटी का सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।